नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। भारत में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 को बीच में स्थगित करने का फैसला लिया गया। बीसीसीआई द्वारा लिए गए इस फैसले से तमाम क्रिकेट प्रेमियों को ठेस पहुंची, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीसीसीआई ने मात्र 29 मैचों के बाद आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया। आईपीएल सीजन 14 के स्थगित होने के बाद अब पहली बार सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने इस पर अपनी राय दी। विलियमसन के मुताबिक आईपीएल में बायो बबल का उल्लंघन हुआ था और इसी वजह से कोरोना के मामले सामने आए। उनके मुताबिक आईपीएल को पोस्टपोन करने का फैसला बिल्कुल सही था। आपको बता दें, आईपीएल में कई खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे, यहां तक कि खुद सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए बीसीसीआई ने तुरंत आईपीएल को स्थगित करने का फैसला किया। इस बीच एसआरएच के कप्तान केन विलियमसन ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आईपीएल के स्थगित होने पर अपनी राय रखी। विलियमसन ने कहा, भारत में चीजें काफी तेजी से बदल गई और वहां पर काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। टूर्नामेंट के पहले हाफ में बायो बबल में हमारा देखभाल काफी अच्छी तरह से हुआ, लेकिन इसके बावजूद बबल का उल्लंघन जरूर हुआ। इसके बाद टूर्नामेंट आगे नहीं बढ़ सकता था और इसे स्थगित करने का सही फैसला लिया गया। बहरहाल, आईपीएल के स्थगित होने से एक तरफ क्रिकेट प्रेमी मायूस है तो वहीं बीसीसीआई एक विंडो की तलाश में है जहां पर आईपीएल सीजन 14 के बाकी बचे मैचेस आयोजित किए जा सके। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। वैसे आईपीएल सीजन 14 में सनराइजर्स हैदराबाद के परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफी निराशाजनक रहा। हैदराबाद ने इस सीजन अभी तक 7 मैच खेले, जिसमें टीम को मात्र एक में जीत नसीब हुई है और अंक तालिका में टीम 8वें पायदान पर है। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।